साथियों, आज जब भारत $5 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की एफिशिएंसी पर पड़ेगा, सरकार की डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग पर पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर बिजनेस संस्थानों की एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा, आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ेगा। आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सटीक ऑडिट भी चाहिए ताकि वो अपने पांच का सही एग्जीक्यूशन कर सके। वहीं वो ये भी नहीं चाहते कि ऑडिट के प्रोसेस बहुत ज्यादा समय लगे। यहीं से आपकी चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए दो काम बहुत जरूरी है, एक स्किल और ट्रेनिंग से जुड़ा है और दूसरा टूल्स से जुड़ा है। जो नए साथी इस प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं उनको तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी से हमें लेस करना ही है, जो भी काम कर रहे हैं इनकी स्किल को अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है। अब जैसे पूरी दुनिया में जो ऑडिटिंग से जुड़ी संस्थाएं हैं वे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजी को लेकर जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें हमारे सिस्टम का हिस्सा तो बनाना ही है। इंडिया पैसिफिक टूल्स पर भी हमें काम करना है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि साल 2022 तक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। यह न्यू इंडिया की नई पहचान बनाने भी मदद करेगा। ऐसे में ऑडिट और एश्योरेंस सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये सही दौर है।